नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम भूपेश बघेल आज भी भेंट मुलाकात करने वाले हैं। बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बेहतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे और साथ ही जो बिलासपुर संभाग के जो तमाम युवा है उनसे बातचीत करते नजर आइए, उनसे फीडबैक लेंगे और साथ ही जो उनकी समस्या है वो भी सुनेंगे और उसका किस प्रकार से निराकरण किया जाएगा इसका हल भी सीएम भूपेश बघेल निकालते हुए नजर आएंगे। देखिए, हाल ही में 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने सीएम भूपेश बघेल निकले थे, जहां पर आम जनता से वो भेंट मुलाकात करते नजर आ रहे थे। और अब इसके बाद में अब एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात युवाओं से करते नजर आएंगे। इससे पहले भी कई सारे युवाओं से वो भेंट मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं और साथ ही चर्चा के दौरान जो उनकी समस्याएं हैं वो सीएम भूपेश बघेल ने जानी और साथ ही जो उसकी समस्या का निराकरण था वो भी किया। अब एक बार फिर से बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे और उनकी जो समस्या है, परेशानी है, उसको सुनेंगे और उसका निराकरण करते भी सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। तो देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में जो नए मतदाता हैं वो युवाओं को कहा जाता है और मताधिकार के प्रति जागरूक करना और साथ ही किस प्रकार से वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं इसकी जानकारी भी देते नजर आएंगे। और ऐसे में जो नए मताधिकार युवा हैं उनसे भेंट मुलाकात सीएम भूपेश बघेल करेंगे और चुनावी साल में ये जो मुलाकात है वो काफी अहम है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम युवाओं से सुझाव भी लेने वाले हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में विकास के मुद्दों को लेकर युवाओं के लिए संचालित योजनाओं और उनकी उपलब्धियां और आकांक्षाओं पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे सपनों का नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए युवाओं का सुझाव भी लेने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम के माध्यम से मिले सुझावों को नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए तैयार की जाने वाली योजनाएं बनाने में भी शामिल किया जाएगा। वहीं युवा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से सीधे प्रश्न भी पूछ सकेंगे और उनके जवाब भी पा सकेंगे। देखिए, कई बार गहमा गहमी की स्थिति रहती है युवाओं में और ऐसे में कई सारी परेशानियां उन्हें आती है, उसका सुझाव लेते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आएंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से युवाओं के लिए राज्य सरकार योजना लाई है और जो आने वाले समय में लेकर आएगी उस पर भी युवाओं से चर्चा की जाएगी और उनसे उनकी एक राय ली जाएगी कि आखिर योजनाओं में और किस प्रकार से बदलाव किया जा सके जिससे कि जो युवा है उसे लाभ मिल सके, इस पर भी बातचीत की जाएगी, जिसमें युवा अपनी राय देते सीएम भूपेश बघेल को नजर आएंगे। और उसके साथ ही अगर हम युवाओं की परेशानी की बात कर ली जाए तो वो उनकी परेशानी सीएम भूपेश बघेल को बताएगी, जिसका निराकरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। तो कई मायने इस भेंट मुलाकात के निकाल सकते हैं और ऐसे में सुझाव को नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए अब सीएम भूपेश बघेल तैयार हैं और आज वो बिलासपुर पहुंचेंगे और बिलासपुर संभाग में जो युवा है उनसे भेंट मुलाकात करने वाले हैं। तो देखिए, कई सारी समस्याएं आती है और ऐसे में युवाओं से बातचीत करेंगे और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी जो युवाओं का मूड क्या है वो भी जानने की यहां पर कोशिश करेंगे और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए युवाओं का जो मन है वो भी टटोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, पिछली बार देखा था कि भेंट मुलाकात युवाओं से किया गया था, एक बार फिर से अब बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात की जाएगी, क्या कुछ मायने निकाले जाए इस भेंट मुलाकात के और फिलहाल अगर हम कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है और युवाओं में कितना उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर? आज बिल्कुल अनुपमा, देख सकते हैं कि पहले भी मुख्यमंत्री ने जो है भेंट मुलाकात का कार्यक्रम बहुत सारे जिलों में किया है। इसके पश्चात देखा जा रहा था कि युवाओं से संवाद भी मुख्यमंत्री ने किया और अब ये जो भेंट मुलाकात है युवाओं से होने वाले, देख सकते हैं रायपुर राजधानी में बड़े तौर पर जो है इस युवा संवाद का जो है अंजाम हमने देखा, जिसमें कई सारे क्षेत्रों से, जिलों से, संभागों से जो है छात्र यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। और अब जो मुख्यमंत्री का दौरा है बिलासपुर की ओर है, बिलासपुर संभाग में देखा जाएगा कि बड़े पैमाने पर लोग उनसे जुड़ने वाले,
साथ ही में युवाओं की जोश की बात करें अनुपमा, तो काफी जोश से जो है युवा भर जाते हैं जब उनके मुख्यमंत्री उनसे मिलने आते हैं। साथ ही में तमाम जितनी भी परेशानियां हैं जो उन्हें पढ़ाई को लेकर आ रही है, आर्थिक दबाव को लेकर आ रही है, या फिर पारिवारिक चीजों को लेकर के आ रही है, या फिर शैक्षणिक चीजों को लेकर आ रही है, तो इन सभी तमाम परेशानियों को देखा जा सकता है कि छात्र छात्राएं जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हैं और मुख्यमंत्री तुरंत उनका निवारण करने की जो है घोषणा कर देते हैं। इसके पहले भी युवा संवाद में देखा गया किस तरीके से मुख्यमंत्री को कोई भी छात्र जो है वो बताता था कि उन्हें इस तरीके की परेशानी जो है पढ़ने में आ रही है, या फिर इस तरीके की परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है, तो उसका तुरंत निवारण जो है मुख्यमंत्री करते हैं। और अब जो बिलासपुर में ये उनका कार्यक्रम होने वाला है उसमें भी देखा जाएगा कि जैसे ही अगर कोई छात्र अपनी तकलीफों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखता है तो उसका निवारण करने के लिए वो तुरंत कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं। पहले भी देखा गया कि कई सारी घोषणाएं जो है नई घोषणाएं जो कि ना कि बजट में कही गई थी ना कि अनुपूरक बजट में कही गई थी, लेकिन तुरंत मुख्यमंत्री ने उनकी घोषणा कर दी। वैसे अब देखा जाएगा कि बिलासपुर संभाग में ये जो भेंट मुलाकात है युवाओं से होने वाला है और मुख्यमंत्री इस संवाद के बाद कई सारी ऐसी घोषणाएं जो है जो कि युवाओं के हित में करने वाले उसे लेकर के देख सकते हैं कि जितने भी युवा है काफी ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं और सभी बेसब्री से मुख्यमंत्री से संवाद करने के लिए बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, और ये जो बैठक है भेंट मुलाकात है वो काफी खास है। फिलहाल अगर हम बात कर ले तो कई सारे ऐसे युवा है जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उन पर किस प्रकार का ये जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है इसका असर होता नजर आएगा? जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि पहली बार वोट डालने वाले हैं, तो इस पर उनका काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि पहले भी देखा गया कि कांग्रेस एक अभियान चला रही थी जिसमें हमर पहला मतदान जो था इसका एजेंडा था, जिसमें माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल, ये अभियान लगातार देख सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद भी करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं, उनका निवारण करते हैं, तो युवाओं में कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि जो है उनकी पड़ती है, जिसे लेकर देख सकते हैं कि सभी युवाओं का जो रुख है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर भूपेश बघेल की ओर जो है मुड़ने वाला है। और 5 लाख युवाओं से जो है देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं, और साथ ही में उनका जो रुख है हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर हो, क्योंकि वो युवाओं से संवाद कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं और तुरंत निवारण भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो तमाम युवा है उसका मन भी टटोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आइए, क्योंकि चुनावी साल है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करने वाले हैं, बिलासपुर संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे। इस दौरान जो तमाम युवाओं की समस्या है उसका निराकरण तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही योजना जो युवाओं के लिए लेकर राज्य सरकार आई है या फिर लेकर आने वाली है उसके सुझाव भी सीएम भूपेश बघेल युवाओं से लेते नजर आएंगे, जहां पर युवा सीएम भूपेश बघेल को अपनी इन तमाम योजनाओं को लेकर राय भी देने वाले हैं।